स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने को मिलती है खूब सारी बकचोदियां विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम लोग की बकचोदियां जो हम लोग रोज रोज ला रहे हैं आजकल, क्योंकि हम लोग गाली सुनने की आदत सी होती आदत है। हो अरे गई है, जिस दिन नहीं पड़ती उस दिन लगता है कुछ तो कमी है। कुछ कमी है जिंदगी में हमारे, जिस दिन गाली ना पाओ। तो भाई आज हम लोग क्या लेके आएंगे? आज हम लोग थोड़ा गाली से बचने के लिए प्रभु का सहारा लेने वाले हैं। हनुमान हिंदी ट्रेलर आया है, एक साउथ इंडियन मूवी एक आने वाली है। पहले मैंने इसका एक बार टीजर देखा था, तो उसमें तो काफी अच्छा एनिमेशन ये सब यूज किया था। तो अभी देखते हैं ट्रेलर कैसे से क्या होने वाला है, और ये भी देखते हैं कि आदि पुरुष से कंपेरिजन हुआ। स्टार्ट किया जाए। शुरू करते हैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत, यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन, बस मूर्ति बनाया। लेकिन यार तीन तो मत दे दिया है ये, तो एक नंबर। अगर ये रियल होना भाई चलने लायक है जगह। हाँ वे क्या ये सीन है? आप कौन है भैया? सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत भाई। अब हम लोग की इंडस्ट्री में एक नया सुपर हीरो आने वाला है। नया सुपर हीरो आने वाला है जिसको पावर मिली है हनुमान से। यस, जिस पहले एक आता था ना, वो क्या नाम था उसका? शक्तिमान? नहीं नहीं शक्तिमान जूनियर जी। अबे उसके बाद एक हंगामा हो जाता था। हाँ भक्ति की शक्ति। हाँ हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा उसके साथ है। उसमें माँ दुर्गा का उसको मिला था रोटी, इसमें इसी तरीके का हनुमान जी का कुछ है। हनुमान जी जाते देंगे इसमें। तो लेकिन इसमें लगता है पूरा वो वाला सीन रखा गया है, डीसी और मार्वल वाला। डीसी मार्वल टाइप है ना, कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो मेरी रग रग में दौड़नी चाहिए, ऐसी ताकत कहीं तो होगी। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो पूरे ब्रह्मांड में कहर मचा दूंगा। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सरदार से अलग कर दूंगी। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने वाला है। एक गुरुजी हमेशा रहते हैं ना मूवी में, एक ज्ञान देने के लिए। हाँ। या आगाह करने के लिए, आगाह करने के लिए, बचाने के लिए, हमेशा एक गुरुजी हमेशा रहते हैं। शक्तिमान हुई था ना एक, दिमाग में तो भाई उसी का प्रॉपर गुरु था वो। इस लोकेशन से प्यार हुआ भाई। हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। जय श्री राम। को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। तो लास्ट में जो हनुमान है उन्होंने, तो ये रियल में आएंगे इसमें, मतलब पावर देने के लिए आ सकते हैं।
या अपना एक आके दिख के चले गए वैसा वाला सीन, प्रॉपर आएंगे एंगेजमेंट नहीं रहेगा ना। एंगेजमेंट क्या मतलब कि हाँ आए थे थोड़ा सा अपना संभाल के चले गए वैसा वाला। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा था ओल्ड टाइप फैशन टाइप ओल्ड टाइप है, बट इंडिया को बहुत टाइम से अपना खुद का हीरो भी तो नहीं मिला है, पुराने हीरो से सारे खत्म हो गए। अब बहुत टाइम से इंडिया में कोई सुपर हीरो आया ही नहीं है, सुपर हीरो नाम पे कौन सा आया था, वो गांडू फ्लाइंग जाट, कौन देखेगा भाई उसको, क्यों देखेगा हमारा चूरा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर जिस टाइम ये लोग अपना मार्वल और डीसी अपने सुपर हीरो निकाल लेते उस टाइम में, ये कॉन्सेप्ट जो मूवी अभी निकाल रहे हैं उस टाइम अगर ये सब चीजें कुछ निकाले होती ना भाई अलग चल रहा था यूनिवर्स हम लोग का भी। कोई नहीं अभी भी चलेगा, हाँ चलेगा वो मतलब वो तो आने ऊपर है। बाकी क्या लगता है कैसा क्या भाई हिट होगी? एक तो इसमें जो साउंड है मतलब विजुअल्स दिए हैं, साउंड दिया है, इतना एंगेजिंग लगा इसमें मेरे को भी, ट्रेलर के हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो वाला लोकेशन को इतना मस्त तरीके से यूज कर रहा है और बार बार उसको यूज करने वाले हैं लोग। ठीक है उसी आसपास इनका लगता है कबीला वीला जो भी रहेगा, तो मतलब विजुअल्स बहुत अच्छा दिया, जैसे उसका आदि पुरुष का भी ट्रेलर आया था तो उनकी गाड़ी फाड़ दी गई थी, इतना खराब उसमें एडिटिंग था, मतलब सॉफ्ट जो भी उन लोगों ने यूज किया होगा एडिट करने के लिए तो अच्छे से नहीं कर पाई थी उनकी टीम। इसमें इन लोगों ने मस्त से बैठ के देख के ओवर हाइप कर रहे थे ना कि बहुत बड़ा करने वाले हैं कुछ, इसकी कोई चर्चा तुमने सुनी थी? मस्त आया देखो क्या सही कर रहे हैं, ये तो मस्त हो जाएगी भाई मूवी जैसा ट्रेलर में दिखाया अगर उसी तरीके से एंगेज करके रखा। विलन भी क्योंकि बहुत ही लगा मेरे को कि हाँ कुछ तो है, नकड़ा करेगा आके बढ़िया से पूरा लेके आया फोर्स, तो ये नहीं कि अपना कूड़ा पी लिया बहुत सारा और बन गए गुंडा, ऐसा ये सब बकवासी नहीं होगी। चलो बहुत दूर भी नहीं है, 12 जनवरी को ही आ रही है। ये होती है मूवी थिएटर में देखने लायक, क्योंकि इसमें साउंड दिया हुआ है, विजुअल्स दिए हुए हैं अच्छे से, तो ये सारी चीजें मतलब एंजॉय करेगा इंसान, और फिर ऊपर से अपना थोड़ा सा रूट से रिलेटेड चीज यहाँ पास क्या है। लोग यहाँ तो मेरे ख्याल से अपने तो सुपर हीरोज बहुत पसंद भी करते हैं लोग, सुपर हीरोज पसंद करते हैं लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ये तो काफी अलग अलग लैंग्वेज में आ रही है, पैन इंडिया तो आएगी, उसके बाद स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज, जापानी, ये सब में भी आ रही है। मुझे लगता है जैसे इसमें बोला करा है कि मतलब एक गॉड की शक्ति या फिर कुछ मिला होगा उनको पावर, बाकी जो सुपर हीरो बना देते हैं बिना फर्जी के उसको इतनी पावर दिखा रहे हैं वो, उससे तो एक कॉन्सेप्ट अलग है, तो बहुत ही अच्छा है सर, मतलब अगर ये अगर फाइट वाइट करेगा तो लगेगा यहाँ कि इसका पावर थी इसलिए लड़ रहा है। बाकी साउथ की मूवीज या फिर आजकल क्या हो रहा है एक्शन मूवीज में इस हीरो को ही बना दे रहे हैं भगवान, कुछ भी बन जाएगा वो, कुछ भी कर दे रहा है, तब तूफान मचा दे रहा है। ठीक है मेरे को तो लग रहा है कि हिट है, मतलब हिट तो होनी ही है, मतलब हिट इन द सेंस ये नहीं कि भगवान के नाम पे हिट हो, अपनी स्टोरी अपने विजुअल्स कॉन्सेप्ट इन सब के लिए ये अप्रिशिएट होगी मूवी। ट्रेलर के साथ तो ये लग रहा है, बाकी देखते हैं क्योंकि हर चीज को तो खराब बोला है हम लोगों ने, ये पहली चीज को अच्छा बोल रहे हैं, आने को पता चलेगा मतलब अच्छी होगी, डाउट नहीं है उसमें। तो भैया आज का रिएक्शन यहीं पे खत्म करते हैं, टंकी सलार से अच्छा इस मूवी को देखिए जाके, विजुअल्स भी मिलेंगे, स्टोरी भी मिलेगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट, अपना खुद का सुपर हीरो आ रहा है, ये मत समझना कि यार यार बॉलीवुड ने निकाला साउथ इंडियन निकाला तो नहीं देखेंगे, देखो मजा ही ना आ जाए। बाकी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की मूवी है, वैसा कुछ नहीं है, बट अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे वन पीस अभी नेटफ्लिक्स ने निकाला, कितना हिट हुआ, तो उसमें भी सुपर पावर्स और वो सारी चीजें हैं, तो वैसा ही इसमें भी आ जाएगा मजा। ऊपर से डीसी और मार्वल अब इस टाइम बोर कर रहे हैं, हाँ बोर भी कर रहा है, अब तो नया कॉन्सेप्ट चाहिए लोगों को। चलो फिर आज का यहीं पे ये वाला रिएक्शन खत्म करते हैं भैया, सायोनारा।